और अब बात बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। प्रदेश में आज से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा 417 किलोमीटर की होगी और 40 से ज्यादा स्थानों पर जनता से संवाद किया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का भी प्रचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा अलवर से शुरू होगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी मैं सभी समाजों के नाम जब ले रहा था तो मेरे मन में एक विषय चल रहा था कि पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्रिमंडल बनाया। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान की ये तस्वीर है कि पहली बार 27 से ज्यादा ओबीसी समाज से मंत्री बनाए गए, दलित समाज से मंत्री बनाए गए, आदिवासी समाज से मंत्री बनाए गए और पहली बार इस देश में हुआ कि सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाओं को मंत्री बनाया गया। ये देश के लिए एक बड़ा अवसर था और मैं कई बार जैसे पढ़ रहा था दर्जी समाज, हमारी बहन दर्शना जासूद जो सूरत से आती है वो दर्जी समाज में पैदा हुई परिवार की बेटी। मैं यह पढ़ रहा था स्वामी समाज, नाथ जी के भी अनुयायी बहुत है, हमारी बहन प्रतिभा भौमिक जो त्रिपुरा से आती है, बहुत गरीब परिवार से आती है, बिल्कुल स्वामी समाज से आती है, उनको मोदी जी ने मंत्री बनाया। हमारे कपिल पाटिल जी जो मुंबई के पास से आते हैं, समाज का काम क्या है, समाज समुद्र के किनारे नमक चुनने का काम करता है, उनको मंत्री बनाया। हमारी स्वास्थ्य मंत्री उस बहन को बनाया जो आदिवासी समाज से निकली और आदिवासी समाज से निकलकर एमबीबीएस की पढ़ाई करी, उनको मंत्री बनाया। छोटे छोटे समाज के लोगों को जिन्होंने अपनी मेहनत से राजनीति के मुकाम को छूने की हिम्मत करी, जिन्होंने समाज के सब वर्गों में आकर के नया भारत बनाने की संकल्पना करी, उनको जब ऐसा बड़ा मंत्रिमंडल मोदी जी ने बनाया तो कांग्रेस ने, वापिस से कह रहा हूं, कांग्रेस ने मोदी जी को मंत्रिमंडल का परिचय करवाने के लिए संसद को नहीं चलने दिया, इसलिए मोदी जी के सारे मंत्री सर्व समाज को लेकर आपके बीच में आशीर्वाद लेने आए हैं और ये आशीर्वाद यात्रा हमारी चल रही है। हम बताना चाहते हैं और कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद जिन मूल्यों के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया और हमने देखा कि देश के लोकतंत्र को कांग्रेस ने वंशवादी परंपरावादी एक परिवार के अंदर बंधक बना के रख दिया था। हिंदुस्तान में ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए था जो एक परिवार का बंधक बने, ऐसा लोकतंत्र चाहिए था जिसमें हर समाज का प्रतिनिधि इस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री बन सके और यही रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने चला। ये बुनियादी राजनीति का अंतर है जो हमारा और कांग्रेस के अंदर है और इसलिए उनको लगता था कि अगर एक परिवार का नारा लगेगा तो वो बहुत रहेगा, लेकिन मोदी जी ने उस परिस्थिति को परिवर्तित किया और इसलिए पहली बार देश ने एक ऐसा शासनकाल देखा। प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, 2019 तक हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उज्ज्वला योजना सभी महिलाओं को दूंगा, 5 करोड़ का लक्ष्य तय किया, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंचा था। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, ये सब योजनाओं को एक समय के अंदर पूरा किया और पूरा करने के बाद जनता हमसे कहती थी कि जनसंघ के समय से नारे लगाते थे एक देश में दो विधान, हमारे यहां तो प्रेम सिंह बाजोर जी ने
पूरे राजस्थान में जा जाकर सैनिकों के जो उनकी स्मृति में उनकी मूर्तियां बननी थी वो मूर्तियां बनाई।